एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की तरह टीवी का एक और सितारा था जो करियर के पीक पर आकर अपने घर पर संदिग्ध हालात में मिला था। हम बात कर रहे हैं टीवी की चहेती बहू प्रत्युषा बनर्जी की। आज ही के दिन जमशेदपुर में जन्मी प्रत्युषा जब 8वीं क्लास में थी तब से एक्टिंग सीखती थी। स्कूल के दिनों में वो पॉजिटिविटी से भरी हुआ करती थी। इतना ही नहीं, वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करती थी। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अपना बना लेता था। उन्होंने काफी छोटी उम्र से ही डांस शो में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वो दिन रात फिल्म इंडस्ट्री में छा जाने का ख्वाब देखती थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आए। साल 2010 में सीरियल रक्त संबंध से प्रत्युषा ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। उन्होंने फेमस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी काम किया था, लेकिन पहचान मिली धारावाहिक बालिका वधु से। इस सीरियल से वो घर घर में आनंदी के नाम से पॉपुलर हो गई। छोटी सी उम्र में प्रत्युषा को वो पहचान मिली जो कलाकारों का सिर्फ सपना होता है। इसके बाद प्रत्युषा बनर्जी टीवी रियलिटी शो झलक दिखलाजा में कंटेस्टेंट बनकर पहुंची, जहां उन्होंने अपने डांस से खूब सुर्खियां बटोरी। वो सबसे चर्चित विवादित शो बिग बॉस का भी हिस्सा बनी। वो लगभग 63 दिनों तक घर में रही और खूब चर्चा बटोरी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रत्युषा एक्टर और निर्माता राहुल राज के साथ रिलेशनशिप में थी। प्रत्युषा की मुलाकात राहुल राज से कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई थी। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। बाद में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। प्रत्युषा और राहुल काफी समय लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। इस कपल ने टीवी के शो पावर कपल में भी पार्टिसिपेट किया था। फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी अपने फ्लैट में संदिग्ध हालात में पाई गई थी। इस खबर को सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आनंदी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि करियर के शीर्ष पर आखिर प्रत्युषा ने मौत का रास्ता क्यों चुन लिया। प्रत्युषा की मौत के बाद कई खुलासे हुए। खबरों की माने तो प्रत्युषा राहुल से प्यार करती थी। प्रत्युषा की मौत के बाद उसके दोस्तों ने बताया कि वो राहुल से शादी करने के बाद जल्द माँ भी बनना चाहती थी। वहीं एक्ट्रेस की मौत के बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने पुलिस को बताया था कि प्रत्युषा के पास काम नहीं था और उस पर काफी कर्ज चढ़ गया था। इस वजह से वो तनाव में रहने लगी थी। वहीं पुलिस को प्रत्युषा के और राहुल के बीच हुई आखिरी बातचीत के जो सबूत मिले वो राहुल की बताई गई बातों को फर्जी साबित कर रहे थे। खबरों के मुताबिक प्रत्युषा डिप्रेशन में थी, लेकिन उसकी वजह कर्ज नहीं बल्कि राहुल थे। प्रत्युषा के कॉल रिकॉर्ड में उन्होंने राहुल पर धोखा देने का आरोप लगाया था। आइए जानते हैं क्या थी प्रत्युषा की आखिरी बातचीत। यू चीटर, तुमने मुझे चीट किया। तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। क्या हुआ? मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। मैं रास्ते में हूँ और जब तक मैं नहीं पहुँचता तुम कुछ नहीं करोगी। मुझे कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे माँ बाप को मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर बचा क्या है मेरी जिंदगी में? देखो ये सब छोटी बातें हैं। तुम इसको छोटी सी बात कैसे बोल सकते हो? तुम अपने ईगो से बाहर निकलो। आपको बता दें, प्रत्युषा की मौत के बाद उनका बॉयफ्रेंड राहुल राज किसी और एक्ट्रेस को डेट करने लगा। एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने राहुल को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया था और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो हमेशा अपने आप को बेगुनाह बताता आया। प्रत्युषा की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।